أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Lecture 3 Nursery Writing and Reading in English आप बच्चे को जो है वो फोनिक्स सिखाएंगे कि किस तरह से आपने पढ़ना है एटी पहले हमने साउंड सीखनी है एटी एट ए शुरू में फिर ए दरमियान में एन एटी नेट ए एफ एफ ए एन एन दरमियान में आवाज़ एन एटी नेट बी एटी बैट एफ एटी फैट फिर वो एंड पे साउंड एन ए डबल एन ए टी ई आर नेटर ये मैंने अब मिक्स की है यहाँ पे जो है वो ई एंड पे लगा दिया यहाँ पे ए एंड पे लगा दिया एन ए एफ टी ई आर आफ्टर ए एन टी एंड ई ए टी ई ई एफ टी एफ ई एन टी एंड एन ई टी नेट बी ई टी बेट एफ ई टी फैट एन ई टी ई बी मीनिंग होना कोई ज़रूरी नहीं है आप बच्चे कुछ भी चेंज करके जो है वो दे दें नेट एफ बी डबल टी ई आर बेटर एफ ए डबल टी ई आर फैटर यहाँ पे मैंने ए यूज़ कर दिया यहाँ पे ई यूज़ कर दिया यहाँ पे एंड पे मैंने जो है वो इन दोनों के ई आर कर दिया यहाँ पे शुरू मैंने ए कर दिया अब आपने यही साउंड बोलनी है और बच्चे को कहें राइट इट चार लाइन की कॉपी लें और बच्चे को ख़ास तौर पर ये गाइड करना है कि आपके जो है वो अल्फाज कितनी लाइन में मैंने सिर्फ ये एग्जांपल दी है कि आप जो है वो देखें आम तौर पे जो कैपिटल वर्ड है वो थ्री लाइंस में होता है लेकिन बाज़ जो है वो स्मॉल वर्ड भी यहाँ पे ये थोड़ा निकल गया इस चीज़ का बड़ा केयर करना है कि बहुत बच्चे को जो है वो लाइंस की पाबंदी करवाएं इसी तरह से जो है वो स्मॉल में आप बताएं कि बाज़ जो शेप्स हैं वो मुकम्मल जो है वो टू लाइंस में आती हैं और बास का कुछ हिस्सा जो है वो उसका जैसे आप ये कह रहे हैं डी का जो राउंड है वो टू लाइंस में है लेकिन उसका जो स्ट्रोक है वो थ्री लाइंस में है एफ जो है वो स्मॉल भी जो है वो ऊपर भी देखा वो पूरे फोर लाइंस में है लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एफ जो है वो कैपिटल तो वो टू लाइंस में आएगा थ्री लाइंस में आएगा तो आप उसकी पाबंदी करवाएं और लिखते वक्त बोलें बच्चे से जो है वो पहले आपने दो दिन खाली रीड करवाया है अब आपने वही जो साउंड्स हैं उसको डिक्टेशन करवाइए राइट इट से टू राइट इट आप इसको डिक्टेशन करवाएं आप अब ये आज का एडिशन ये है कि आपने जो वर्ड बोले थे कल भी वो भी बच्चे को लिखवाने हैं और जो मैंने आज बोले हैं वो भी अब आपने उसको लिखवाने हैं पहले रीड करवाएं लेकिन ये कंफर्म करें कि पहले बच्चे की साउंड बच्चा जो है वो अल्फाज आप जैसे चेंज करें आप कोई भी लफ्ज टी ए एफ टैप कर दीजिए टी ए बी टैप कर दीजिए टी ए एन टेन कर दीजिए टी ई एन टेन कर दीजिए टी ई बी टैप कर दीजिए एफ ई टी टी ई एफ टैप कर दीजिए ये लाजमी मैं यहाँ पे सर्कल आपका बना देता हूँ इनको आप रोटेट कीजिए इनको भी आप लफ्ज़ों को रोटेट करके देखें क्या बच्चा फौरी तौर पे चेंज करता है या नहीं करता कुछ भी आप जो है वो पहला आखिर में आखिर वाला पहले तो आप इस तरह से रोटेट करेंगे और फिर बच्चे को लिखवाएंगे थैंक यू वेरी मच